सर कैफे, ये एक जगह हमने बनाई जहाँ पर लोग आराम से बैठ के, क्वाइट जगह है, आराम से बैठ के अपना टाइम बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं बिना शोर शराबे के। और फिर यहाँ पर अब हम फ्रेंच टी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑल दो फ्रांस इज़ नोन फॉर कॉफ़ी, पर वहाँ पर बहुत अच्छी टीज़ भी मिलती हैं, तो हम इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली कॉफ़ी एंड अदर प्रोडक्ट्स तो होंगे। जी, शुरुआत में बहुत मुश्किल था, हालांकि शुरुआत के 2 साल में मैंने अपनी सेविंग्स से ही पैसा लगाया इस बेकरी में, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। हमारे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स दिल्ली से ही आते हैं, तो अब दिल्ली में हमें फ्रेंच प्रोडक्ट्स अब इजीली मिल जाते हैं, तो फ्रेंच प्रोडक्ट्स ही हैं पर दिल्ली से आते हैं वो। जी, हमने 2015 में बुलवार्ड से ही स्टार्ट किया था, एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और उधर से ही हमने ग्रो करा। ऑब्वियसली कश्मीर आना हमारी, मैं और मेरी वाइफ, हमारे बहुत अच्छी सिचुएशन थी फ्रांस में। ऑब्वियसली जब हम कश्मीर आए तो एक बहुत अनसर्टनटी सी थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक डेवलप्ड कंट्री से जहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर है, जॉब सिक्योर है, वो छोड़ के हम एक ऐसी जगह पे आ रहे थे जहाँ, जो खुद में एक जगह काफ़ी अनसर्टन थी, और वहाँ पर कुछ स्टार्ट करना, जितनी भी सेविंग्स थी हमारी वो उसमें डालना, फ्यूचर का कुछ मालूम नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ, जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ऑल्दो अगर हम लॉजिकली देखते तो यहाँ बच्चों को लेके यहाँ आना सेंसिबल नहीं था। तो फिर हमने वो डिसीजन लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ वर्क्ड फाइन। हम बहुत खुश हैं। जी, यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी लोग फ्रेश फ्रूट मांग रहे थे हमसे, फ्रेश फ्रूट और रेड वेलवेट। ऑल्दो रेड वेलवेट तो मैंने कभी बनाया नहीं था, मैंने कश्मीर में ही वो बनाया, उस टुक मी अ कपल ऑफ मंथ्स, तो फाइनली एक प्रोडक्ट हमने फिर लॉन्च करा इस रेड वेलवेट, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया। अब हमने ऑथेंटिक फ्रेंच डेलिकेसीज स्टार्ट की हैं, जो जैसे ओपेरा हुआ, मिलफई हुआ, संतोनोखे है, पेरिस ब्रेस्ट है, तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर 100% ऑथेंटिक फ्रेंच पेटिस्की, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं की है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। वो लोग जो जिनके पास स्किल नहीं है, तो मैं उनको ये स्किल देना चाहता था ताकि वो एक, ताकि उनकी लाइफ भी आगे जाके बेहतर होती, एक स्किल उनमें आ जाता और उनको आसानी से काम मिलता। तो हमने लगभग 150 लोगों को ट्रेन किया है, कोई मज़दूर होता था, कोई और कुछ ऐसे लोग होते थे। जी, इश्यूज मुझे लगता है के क्वालिटी के इश्यूज लगते हैं बहुत सारे आजकल, काफ़ी मार्केट में इम्प्रूवर्स आते हैं जो सेहत के लिए ख़राब भी हो सकते हैं, जो कस्टमर को बेचारे को पता नहीं होता है कि ये उसकी ब्रेड में क्या क्या गया है। एट द एंड कंज्यूमर ही सफ़र करता है, तो मुझे लगता है कंज्यूमर्स को भी पूछना चाहिए, जब भी वो कोई चीज़ परचेज़ करते हैं वो पूछ ले, जहाँ से वो चीज़ खरीदते हैं, आपने ये चीज़ किस चीज़ से बनाई है, क्या आप बटर यूज़ कर रहे हैं अपनी बेकरी में, क्या आप मार्जरीन यूज़ करते हैं। जी,
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर गवर्नमेंट इन प्रोसेसेस को थोड़ा सिंपल बनाती तो मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को, अपने अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकता है, वो वक्त अपने स्टार्टअप पे लगा के काफ़ी आगे जा सकता है। और ऑब्वियसली कंपनीज आगे जा रही है तो इकॉनमी भी आगे ही बढ़ेगी।